नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको अभी बताने के लिए जा रही हूँ, इसको पहले आप समझना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, इस उपाय को समझने की कोशिश करना, ठीक है? जितना आप इसको समझेंगे उतना ही आप इस शब्द को लाइव कर सकेंगे। जितना आप इसको लाइव करेंगे उतना ही दोस्तों आपकी जिंदगी में सुख ही सुख, समृद्धि ही समृद्धि आ जाएगी। आप इस उपाय को करके देखना दोस्तों, आप जहां पांव रखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, लोग आपको नोटिस करने लग जाएंगे कि यस ही समथिंग और से समथिंग। ऐसे ही नहीं है, कुछ है, कुछ है इसके अंदर, कुछ है ना। ये जो कुछ है, ये कुछ ही जो है, इसी शक्ति को हमें डेवलप करना है इस शब्द के द्वारा। इस शब्द को आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही आपके अंदर की पॉजिटिविटी डेवलप होगी। इस शब्द को बोलते हुए आप जो भी सोचेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो धन दौलत हो या आपकी कोई शादी ब्याह से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, आपकी नौकरी धंधा से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी एनीथिंग, जिस चीज की आपको कमी लग रही है वो चीज की कमी दूर हो जाएगी और आपकी लाइफ में धन ऐश्वर्य के साथ साथ मान सम्मान भी जबरदस्त बढ़ेगा। आपका जो दिमागी संतुलन है, जो आपका मानसिक स्थिति है, बहुत पावरफुल बनेगी। दोस्तों, आप जानते हैं इस दुनिया में राज कौन कर रहा है? वही जिसका दिमाग तेज है। आज इस पृथ्वी पर मानव जात हर चीज पर चढ़ बैठी है क्योंकि उसने अपने दिमाग को लगाया है। बाकी के जीव बड़े बड़े शरीर लेकर के घूम रहे हैं लेकिन वो दिमाग नहीं लगा रहे, उनके पास दिमाग और बुद्धि उतनी नहीं है जितने इंसानों के पास है। इससे भी ज्यादा देवी देवता अपना दिमाग बुद्धि लगाते हैं और वो इंसानों पर भी राज करते हैं। ग्रह है, नक्षत्र है, देवी देवता है, ये इंसानों के ऊपर राज करते हैं, जिसके जितनी शक्ति है। तो ये जो आपकी शक्ति है, जो आपके मस्तिष्क में है, इसको हमें करना है डेवलप सिर्फ इस शब्द के द्वारा। ये शब्द को दोस्तों आप साधारण चीज ना समझे, बहुत पावरफुल है। आपने रामायण में, महाभारत में देखा होगा, जिसने भी दोस्तों जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो भी रामायण महाभारत का जिन्हें पता है, उन्हें बहुत कुछ पता है, मैं यूं कहूंगी वे सब जानते हैं कि दुनिया मतलब क्या, भगवान मतलब क्या, ये जीव मतलब क्या, इस सृष्टि मतलब क्या है, क्या है ये सब कुछ, काफी इसका तथ्य उनके हाथ में आ चुका होता है। और आप देखना दोस्तों, आपने देखा होगा रामायण महाभारत के अंदर ज्यादातर जो राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े ताकतवर शूरवीर हुए, उन्होंने ब्रह्म को जगाया, उन्होंने ब्रह्म को जगाया, है ना। ब्रह्म की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। ब्रह्म ही है जो कण कण में गया, ब्रह्म है तो उत्पत्ति है, ब्रह्म है तो सर्जन है, ब्रह्म है तो वो सब कुछ संभव है जो आप सोचते हैं। शुरुआत है ब्रह्म, उसके बाद इस चीज को जब कोई ब्रह्म के द्वारा डेवलप कर देता है, प्रकृति के अंदर लेकर के आ जाता है, उसको कोई ना कोई रूप दे देता है, फिर उसका पालन पोषण करती है जो शक्ति, वो है भगवान श्री हरि की शक्ति। सहार करती है वो है भगवान शंकर की शक्ति, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होना है उसका सहार तो होना ही है, तभी सृष्टि चलनी हो। लेकिन किसी भी चीज की उत्पत्ति होना जो मेन चीज है, किसी भी चीज को डेवलप करना जो मेन चीज है, वो कैसे करना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो शब्द है दोस्तों, बहुत पावरफुल शब्द है, बहुत पावरफुल शब्द है। आप अपने हर सपने को सच कर सकते हैं। मैं यूं कहूंगी ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है जिसको मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। आपको इस शब्द को लाइव करना है। जो लोग इस क्रिया
क्रिया को करने के लिए करने का इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि यस मुझे करना है, तो वे लोग दोस्तों गुरुवार के दिन कम से कम नॉन वेज ना खाएं। गुरुवार के दिन संभव हो तो सिर पर पानी ना डालें, दाढ़ी ना बनाएं, जो गुरुवार के नियम है उस तरीके से रहें। मतलब कि इस सृष्टि के साथ साथ खुद के ऊपर भी आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। ब्रह्म जहां है जैसा है उसे वैसा ही रहने देना है, सिर्फ आपको अपने अंदर लीन रहना है। यदि पॉसिबल हो तो इस दिन आप उपवास करें, पीले रंग के कपड़े पहने, और यदि आप कुछ भी ना कर पा रहे हो तो सिर्फ एक छोटा सा नियम ले लें, गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने और पॉसिबल हो तो नॉन वेज ना खाएं दोस्तों, मांस मदिरा से इस दिन आप दूर रहें, ठीक है। सोते समय या फिर सुबह यदि आप उठ करके करते हैं दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, दुनिया जीत जाएंगे नो डाउट। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है, ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजाएं बताई जाती है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। तो सोने का समय भी ऐसा होता है जब आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी वृत्तियां अंदर आ चुकी होती हैं, क्योंकि जब आप सोने के लिए जाते हैं उस टाइम नेचुरली आपका दिमाग शांत हो चुका होता है कि अब मुझे सोना है, दैट मीन्स नाउ आई हैव टू एंड माई ऑल विशेस, अपनी सारी विशेस को अब मुझे एंड कर देना है और सो जाना है। आप देखना दोस्तों, सोना भी कोई साधारण चीज नहीं है। आप चलते चलते रोड पर नहीं सो जाएंगे, बैठे बैठे नहीं सोएंगे, सिवाय कि हाँ एक्सेप्शन हो सकता है कि आप बहुत थके हैं, आपकी बॉडी आप रिएक्ट नहीं कर रही है, आपके अंदर कोई कमजोरी आ गई है, कहीं कुछ ऐसा हो गया है और आप चलते चलते बैठे बैठे कहीं सो जाए। अन्यथा आमतौर पर जो मैं बात करती हूँ, कॉमन बात करती हूँ कि ऐसा होता नहीं है। आप जब अपने बेड पर जाते हैं खुद को आप जाने अनजाने ये कह देते हैं कि अब मुझे सोना है, तभी आप सोते हैं, है ना। तो आप अपने आप को ऑर्डर करते हैं सोने के लिए, तब आपकी बाकी की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं, आपका दिमाग भी चलना बंद होता है और आप सो जाते हैं, बराबर। तो ये समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप मुंह हाथ धोकर के बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, अपने बेड पर बैठे, अपना मुंह पूर्व की दिशा की तरफ रखें, ठीक है। और ये जो शब्द मैं आपको बता रही हूं इसे आप 5 मिनट एवरी डे बोलना शुरू करें। गुरुवार की रात से आप इसको शुरू करें और कम से कम अगले गुरुवार तक, मतलब कि 7 डेज तो कम से कम आप इसको बोलें और इसका रिजल्ट देखें दोस्तों। आप खूब इस चीज को छोड़ेंगे ही नहीं। जो भी इस उपाय को करता है उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उसका मन लगने लग जाता है, जो नौकरी कर रहे हैं सर्विस में उनका प्रोग्रेस होने लग जाता है, घर के अंदर मान सम्मान बढ़ जाता है, मतलब हर तरीके से प्रोग्रेस प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस। आपको बैठना है और आपको दोस्तों ध्यान करना है अपने मस्तिष्क पर, यहाँ बीचों बीच आप थोड़ी देर के लिए मतलब सांस लें, गहरी गहरी सांसें लें, अंदर बाहर करें अनुलोम विलोम, और आप इमेजिन करें कि यहाँ आपके मस्तिष्क में बीचों बीच में एक पीली ज्योत जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, एक पीली रोशनी आपके मस्तिष्क में बीचों बीच डेवलप हो रही है। थोड़ी देर आप सांस लेते रहें, अपनी सारी इच्छाओं को अपने अंदर खत्म करते रहें, जैसे कि आप कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो भी आपकी उम्र है दोस्तों उसके पहले आप खुद सोचें कि आप कहाँ थे, कुछ सालों के बाद आप कहाँ होंगे आपको पता नहीं है, वैसे ही आपको आज भी पता नहीं है कि आप कौन हो। जितना भी आपको पता है वो सब कुछ आपको इस दुनिया के द्वारा मिला है, इसी दुनिया ने आपको बताया है कि आपका ये नाम है, और इसके सिवाय जो भी आपके रिश्ते हैं नाते हैं सब कुछ इसी दुनिया से आपको मिला है, इसी दुनिया ने आपको बताया है, उतना ही आप जानते हैं, आप खुद से कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये जो परम जीव थे ये आपको खुद से मिलवाएगी, वो जो आप हो, वो जो वर्षों से खो गया है, वो जो सब कुछ देख रहा है पर कर कुछ नहीं पा रहा है, वो जो आपका साक्षी भाव है, कुछ देर के लिए अपने आप को अपने शरीर से हटा दें,
साक्षी भाव में चले जाओ, खुद से बाहर निकलो, खुद को देखो दूर खड़े होकर के, और अपने आप को दोस्तों ऑर्डर दो कि तुम्हें मस्तिष्क के इस बीचों बीच वाले बिंदु में प्रवेश करना है। महसूस करो तुम कौन हो। कंटिन्यू शब्द बोलो, ब्रह्म। 5 मिनट कम से कम दोस्तों आपको ओम ब्रह्म इस नाद में हो जाना है। कंटिन्यू इस शब्द को आप मन ही मन बोलते रहे। सस्वर बोलना चाहते हैं, सस्वर यदि आप बोलेंगे पूरे घर का माहौल शुद्ध हो जाएगा। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी सब घर छोड़ करके भागेगी। आपका व्यक्तित्व अपने आप इतना बड़ा होने लग जाएगा जो आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। उसके लिए दिव्य ज्योत चाहिए। आपका व्यक्तित्व पूरे ब्रह्मांड में फैलने लग जाता है। जहां भी आप पांव रखते हैं ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा हो जाता है, आपके साथ चलने लग जाता है। जो भी लोग आपको जानते हैं, जहां जहां की आपकी पहचान है, हर जगह हर व्यक्ति के दिमाग पर आप ही आप हावी होने लग जाते हैं। सिर्फ एक शब्द बोलने मात्र से। जिस दिन दोस्तों इस शब्द की शक्ति जाग जाएगी, आप खुद को देख ही नहीं पाएंगे, आपके चारों तरफ रोशनी रोशनी और रोशनी हो जाएगी। घबराना मत, बस उसको महसूस करना। जिन लोगों ने भी त्राटक किया, काफी लोगों को यहां तक पहुंच चुके हैं वे लोग, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन सबसे कहती हूँ शुरू करो। शक्तियों को यदि पाना चाहते हो, सिद्धियां हासिल करना चाहते हो, सच में अपने आप में जीना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, जो मैं बताती हूँ उस रास्ते आगे बढ़ो और देखो ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल सकता। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। वो सारी चीजें जिसे आप चाहते हैं आपके पीछे पीछे घूमेंगी और घूमेंगी। बस एक 5 मिनट का उपाय करके देखो। जो भी मेरे व्यूवर्स है सब सर्वर्स है, कोशिश करें खुद को पाने की, कोशिश करें इस शब्द को जगाने की। यदि ये शब्द जग जाता है दोस्तों, आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, सब कुछ सारी शक्तियां अपने आप आपके चरणों में आके गिर पड़ेंगी। सफलता आपको खोजते हुए आएगी। भिखारी से भिखारी भी धनवान हो जाएगा। करते रहो, खुश रहो। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहो। जैसे